नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीएम शिवराज के साले को हराने वाले इस निर्दलीय विधायक ने थामा बीजेपी का दामन, जाने कौन है वो। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का मुकाबला दिलचस्प हो चला है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने लगभग आधी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन प्रदेश में दल बदल, बगावत और नई पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बालाघाट जिले से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रदीप जायसवाल पहले कांग्रेस के सदस्य थे, वे कांग्रेस सरकार में खनिज मंत्री रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 2018 के विधानसभा चुनाव में जायसवाल ने बीजेपी के डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को हराया था। हालांकि 15 महीने बाद जब प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गिर गई तो प्रदीप जायसवाल ने बीजेपी को समर्थन दिया था। वे सीएम शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी के विरोधी माने जाते हैं। प्रदीप जायसवाल के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ऐसी चर्चाएं सामने आ रही हैं कि पार्टी उन्हें वारासिवनी सीट से विधायकी का टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक्स पर विधायक प्रदीप जायसवाल के पार्टी ज्वाइन करने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, विधायक श्री प्रदीप जायसवाल ने आज मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।